सो हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पे अब एक शिव जी की मूर्ति, मतलब थोड़ा सा आप आगे आओगे मिनी स्विट्जरलैंड से, सो आगे की तरफ आके आपको शिव जी की एक मूर्ति दिखेगी, मतलब मंदिर है वो। और यहाँ से आप चंबा भी जा सकते हैं, 23 किलोमीटर है यहाँ से, जो कि हम कल निकलेंगे। जय बोड़े, आउटस्टैंडिंग मैन। ये जो मूर्ति है ये 81 फीट ऊंची है। द हाइट ऑफ दिस स्टैचू इज लाइक 81 फीट। आई मीन द हाइट ऑफ दिस स्टैचू। सर आपका नाम क्या है? मैं जगदीश शर्मा। मैं भी शर्मा हूँ सर। क्या नाम था? दरेश। बलदेव शर्मा। तो आप सर यहीं रहते हैं आप? सो सर अब थोड़ा बहुत हमें बताएंगे कि इस मंदिर के बारे में, कितना पुराना है? पहले छोटा था, काफी पुराना था, 99 से बड़ा बनना शुरू हुआ। 99 में बनना शुरू हुआ। उससे पहले छोटा सी मंदिर था। और ये जो है ये 2008 में बनी है। 2008 में बनी है। और ये लोकेशन क्या, किसके अंडर में आता है? ये कौन से एरिया में? खजियार में। ये भी खजियार में आता है। और मंदिर का नाम क्या है इसका? जगदम्बे मंदिर खजियार। जगदम्बे मंदिर खजियार। सो अंकल ने हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, सो थैंक यू सो मच अंकल जी। तू कहे तो जान दे, तू कहने में हर्ज क्या है, सो तरा के देख ले तू भाई साहब। मज़ा समझते हो? मज़ा वो लिया है। ऐसी क्या चीज है जो हमें यहाँ पे आने को मजबूर कर दिया? यही चीज थी तो हमें मजबूर कर दिया भाई, समझ रहा है? सिद्धू भाई विद अजय भाई, आउटस्टैंडिंग मैन, लिटरली मैन। मजा आ गया भाई। मजा तो आई भोले बाबा को देख देख के। तो भाई जब से हम लोग भाई भोले बाबा के पास से हो क्या है ना भाई, ओ भाई उसके बाद तो बंदे लाइफ चेंज, लिटरली चेंज। जब से हम लोग बिजली महादेव से आए ना भाई, चेंज, लाइफ चेंज। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो सब क्या था यार, मतलब वर्ड नहीं है उस चीज के लिए, बट लिटरली काफी मजा आया भाई। हम लोग कहां रहे हो? कहां चलना है? भूत बंगला। भूत बंगला तो साइड से जाना था। मोड़ो फिर भाई, ये वही सेम लोकेशन है मिनी स्विट्जरलैंड। वहां पे पीछे की तरफ ना एक वो है, क्या कहते हैं, भूत बंगला, समझ रहे हो ना? भूत बंगला वही है। और हम यहाँ पे ऑफ रोडिंग भी कर रहे हैं भाई, ठीक है। टीवीएस वालों की तो हमने ऐसी एडवर्टाइजमेंट कर दी है, मतलब भाई पूछो मत, उन्हें तो हमें मतलब 2-3 गाड़ी तो वैसे मुफ्त में दे देनी चाहिए भाई। हाँ सिद्धार्थ भाई, और क्या भाई, ये देखो भाई कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। ऑफ रोडिंग के अलावा हमने भाई पूरी वो घुमा दी इसको। हाँ भाई, आप ये व्यू देखो। मैं फ्रंट पे इसलिए नहीं आ रहा था कि आपको अच्छा लगे, पूरे ऐसा लगे कि आप यहाँ घूम ही रहे थे। ये लोकेशन देखो भाई, आप इस लोकेशन से घोड़े से भी आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि रोड आप बहुत ख़राब है, तो आप घोड़े से भी आना चाहो तो आ सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे वो देखो बाबली लोंडिया आ रही है ना, ये बाबली लोंडिया दोनों घोड़े से आ रही हैं। मार घोड़े इस वाले पत्थर पे आ। यहाँ भी एक छोटा सा गेम है, मुझे पता नहीं इसका नाम क्या यार। थोड़ा लग रहा है
ये हमने स्कूटी के लिए यहाँ से जंप लगा दी, वरना बहुत लंबा घूम कर आना पड़ता वैसे। आप ऐसा मर्जी ये कर लो भाई, आपके अपना रिस्क है। ज्योति इज अ गुड प्लेस राइट। ज्योत चुबाड़ी, इफ यू गो अक्रॉस दैट बेल्ट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। एंड इफ यू रियली वांट टू सी क्लोजली द नेचर, गो बियॉन्ड शिमला। Beyond Shimla. I'm talking about Rampur Bushehr and Rampur. Yeah, I know that. All that stuff. Yeah. So even that will add more value to your this documentary. Yes, yeah. Yes. So we stay in where is it? Dharamshala. The 3 days. Then we explore. There is a one guy. He's a local of the Himachal Pradesh. Then he told me. I mean, give me like lot of list about it, like places where you can go explore about this place. And there's a pale place called Beebling. Beebling is there. Broat is there. Uh-huh. The paragliding is at the peakest. I did that. But explore that Kaja Valley belt. And if you come across, you know, from Manali, if you leap towards that Ladakh wala part. I went there. We came from there. Okay. Yeah, from this bike. I mean, we covered Manali, old Manali, Rohtang Pass tunnel, I wish you all the very best. Thank you so much. Thank you so much. I really wish this documentary should go up to the highest level for which you are already in. Thank you so much. Thank you so much for it. सो भाई यहाँ पे एक छोटी सी आपको एक मार्केट मिलेगी, ये ऐसी वाली, ये आप यहाँ पे खाने आ सकते हैं। और फिर चीज़ें मार्केट में आपको सारा फूड मिलेगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे है, काफ़ी अच्छी जगह है। आप यहाँ पे मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें काफ़ी सस्ती है। ये जो मंदिर है ये भी 800 साल पुराना है मंदिर है ये। सो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ इसके, ठीक है, जो भी इसकी हिस्ट्री होगी। सो ये सीढ़ियाँ यहाँ से भाई, भाई ये लो रीड कर लेना, मैं थोड़ी देर बाद में पढ़ूंगा। तो ये मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ का इतिहास है भाई, ठीक है। और ये है इंग्लिश हिंदी दोनों में, काफी अच्छी जगह है भाई, ठीक है। अंदर चलते हैं, भाई ने बहुत सपोर्ट किया वैसे तो भाई की रिकॉर्डिंग करने के लिए। सो भाई पांडव यहाँ पे वनवास में आए थे, सो इन्हीं के नाम पे ही, मतलब जैसे भाई ने बताया कि इस जगह का नाम पड़ा है खजियार का।
काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट तो मैंने यहाँ पे देखी चीज़ें जो कि 800 साल पुरानी है सारी। ये मतलब उसी जगह पे जो मैंने आपको बताया ना मिनी स्विट्ज़रलैंड, वही जगह है यहाँ पे अभी। ये मतलब ऑलमोस्ट क्लाउड पंजाब का ही होता है। काफ़ी अच्छी जगह भाई, यहाँ पे ज़रूर आइए। हम भी जस्ट यहाँ पे अभी अचानक से यहाँ पहुँच गए, बट आप भी ज़रूर आना भाई। भाई ने बताया ये जो पांडव थे ना, वो यहाँ पे आए थे, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा हुआ है मंदिर का नाम। अच्छा। हाँ, जगह का नाम पूरे है। जगह का नाम क्या? खजियार। खजियार थोड़ी है किसी का, उसमें एक बंदा कोई था मेरे ख्याल से, कुछ भाई ने बताया मेरे को। मिर्ची 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 भाई, ये भाई नहीं है भाई, बिल्कुल टोरा अपने जैसा ही है ना, बिल्कुल भाई जी का मजा आया भाई। बंदों के फोन भाई, पूरी फैमिली ट्रिप लगी है भाई। सोलो बंदा भी हो ना कोई ट्रैवलर भाई, हंस के आना। कोई दिक्कत भी हो जाए ना, आपको एक बैड एक्सपीरियंस भी हो भाई, यूट्यूब पे बोल देना कि भाई बैड एक्सपीरियंस है, तो आप मान जाओ, मैं कमेंट करके बता नहीं बैड एक्सपीरियंस हुआ आपका। मैं जहाँ जा रहा हूँ जिस बंदों का कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा ना भाई, आप उन्हें बेफिक्र होकर ना कॉन्टैक्ट करना बस। और थोड़ा सा मतलब एक चीज़ और है भाई, नेचर ना बहुत मैटर करेगा आपका, क्योंकि देखो ये जो बंदे हमें लेके जा रहे हैं ना घुमाने, इनकी कोई ड्यूटी नहीं है कि हमें घुमाने ले जा रहे हैं या मतलब जगह पे पर्सनली लेके, बंदे होते बता देते हैं कि भाई इस जगह पे जा। और ये बंदे हमें अपने साथ में बाइक पे ले जा रहे हैं, ये बाइक पे ले जा रहे हैं अपने, इसका मतलब देखो भाई पता क्या, नेचर आप जैसे बना के रखोगे ना आपको सामने से वो चीज़ मिलेगी। बंदा भाई हमसे इतना इम्प्रेस हुआ भाई, बंदा भाई कह रहा भाई यहाँ चलो भाई यहाँ चलो, तो आप जब आओ लोगों से बात करो, अपने बारे में बताओ, उनके बारे में पूछो, लोग ना बहुत ये सुनाते हैं आपको जानते हैं। ये सब बंदा मैंने कहता भाई अभी अपना मेरे को समझ से नहीं आ रहा है, तो लाउड स्पीकिंग करते हो काफ़ी ऐसे में वर्ड बोले ना, मैं मतलब स्पीचलेस हुआ इस टाइम में, जिसकी ना कोई वैल्यू नहीं होती ना, वो मतलब फीलिंग आ रही है, मतलब जो कि मैं भाई ने उसे तो बातें करी ना बता उससे। तो भाई अभी जो उसको क्वेश्चन में लेके जा रहा है, तो मैं आपको उसके बाद ले चलूँगा, ठीक है ना। रूल तो रूल है भाई, सरकार से बढ़कर कोई है क्या? बहुत सही शूट भाई, इसको ना वहां से वो आने वाला डायरेक्टर का मैसेज है। ये रास्ते में आपको एक ये मंदिर मिलेगा, क्या नाम है भाई जी इसका मंदिर का? बनखंडी माता। बनखंडी माता, कभी भी आओ भाई यहाँ पे दर्शन करके जाना, आपकी फल माता जरूर देती है फल। हाँ भाई लिटरली भाई, ये तो मैंने देख लिया लिटरली भाई, आप इधर आना, यहाँ पे छोटी जगह है राइट साइड में जहाँ से हम थोड़ी देर यहाँ बैठे थे, आपको जाना है तो यहाँ गाड़ी साइड में लगाइए और ऊपर जाइए आराम से, ठीक है? थोड़ा पास से दर्शन करवा देता हूँ।